आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देशभर की तमाम बड़े काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो फ्री राशन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, अभी बहुत से लेस कोटे की दुकान की सरकार अब करेगी रेगुलर मॉनिटरिंग। ई पॉस से लेस राशन की दुकान की अब नियमित जो है वो निगरानी होगी। दरअसल यूपी में योगी सरकार जो है प्रदेश की सभी राशन की दुकानों में ई पॉस उपकरण की रोल आउट प्रक्रिया में तेजी लाने जा रही है। वही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जो है यूपीडीसी को इसकी मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर का विकास करने की जिम्मेदारी जो है सौंपी है। वह यूपी की सभी जो है राशन की दुकानों में ई पॉस डिवाइसेस के इंस्टॉलेशन और ऑटोमेशन के बाद इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग जो है रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर को भी जो है डेवलप किया जाएगा। इसे रेगुलर मॉनिटरिंग जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए पॉस एप्लीकेशन के विकास के साथ ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए पेपर वर्क और ट्रेनिंग प्रक्रिया को भी जो है पूरा किया जाएगा। बाद अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए स्विगी यूपीआई को लेकर बड़ी खबर देखिए। जोमेटो के बाद स्विगी ने भी यूपीआई सर्विस की है शुरुआत, तो ग्राहकों को होंगे अब ये फायदे। जोमेटो कंपनी के बाद अब फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने भी जो अपनी यूपीआई सर्विस जो है चालू कर दी है। यूपीआई के बाजार में इस तरह के नए नए प्लेयर तेजी से जो है आ रहे हैं, जो गूगल पे और फोन पे जैसे जो बड़े ऐप जो है उनको यहाँ पर उनके दबदबे को कम करने के लिए और मार्केट शेयर में नुकसान पहुंचा ये जो सकते हैं। दरअसल स्विगी ने बताया कि उसने पेमेंट के लिए जो है थर्ड पार्टी ऐप पर निर्भरता को कम करने के लिए अपनी यूपीआई सर्विस की शुरुआत की है। वही कंपनी का कहना है कि सर्विस के शुरू करने से उनके ग्राहकों को भी जो है सहूलत होगी, जहां पर ग्राहकों को ऑर्डर प्लेस करने के बाद पेमेंट करने के लिए किसी और ऐप में जो है वो यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह स्विगी की ऐप जो है उसके अंदर ही जो है यहाँ पर जो पेमेंट जो है वो कर पाएंगे। वैसे डिलीवरी पहले यहाँ पर स्विगी की प्रतिष्ठा फूड डिलीवरी जोमेटो ने भी अपनी यूपीआई सेवा शुरू की है। हालांकि स्विगी की सर्विस जोमेटो से अलग है। जोमेटो की यूपीआई सर्विस अन्य पेमेंट ऐप की तरह है, उसे आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट ऐप की तरह काम करने को मंजूरी दी थी। वह स्विगी की सर्विस जो है यूपीआई प्लगइन के जरिए लॉन्च की गई है। वह कंपनी ने इस सर्विस को यस बैंक और जस्ट पे के साथ पार्टनरशिप में शुरू जो है वो किया है। तो स्विगी कंपनी जो है उसने जो यूपीआई सर्विस जो है शुरू कर दी है। बाद करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर महिलाओं के लिए कुछ खबर देखिए। अब हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 1,000 रुपए, महिला सम्मान योजना के तहत सरकार देगी पैसा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने जो है महिलाओं के उत्थान और उनको सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर जो है पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया है। वह महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली में रहने वाली हर महिला को 1,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे, सम्मान राशि के रूप में दिए जाएंगे। वही दिल्ली सरकार ने इस साल मार्च में जो है बजट के दौरान इस योजना का ऐलान यहाँ पर किया था। हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए केवल जो है कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा। 18 साल से अधिक उम्र की जो महिलाएं इस मानदंड को पूरा करेंगी उन्हें जो है इस स्कीम का फायदा जो है वो मिलेगा। वही महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने इस योजना को लेकर जो है बुधवार को बैठक की है, जिसमें इस योजना के प्रोग्रेस और पॉलिसी पर बातचीत। और इस आधार पर उन्होंने जो है अफसरों से कहा कि वह आय के आधार पर लाभार्थी की पहचान की जानी चाहिए। नौकरी पेशा महिलाओं या जिन महिलाओं के नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है उनको इस योजना का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। तो बड़ी खबर फिलहाल दिल्ली से निकल के सामने आ रही है कि महिलाओं को जो है दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है वो आगामी बजट में जो है महिलाओं को 1,000 रुपये देने की तैयारी कर रही है। 1,000 रुपये जो है महिलाओं को हर महीने जो है राज्य के अंदर दिल्ली के अंदर जो है वो दिए जा सकते हैं। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर LIC को लेकर बड़ी खबर देखिए। LIC ने दी है नई अपडेट, लॉन्च की है जीवन समर्थ योजना। ग्राहक और एजेंट दोनों के रिश्ते होंगे मजबूत। हालांकि भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी जो है LIC उसने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इससे ग्राहकों को फायदा जो है होने वाला है। दरअसल LIC के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मोहती ने इस योजना को लॉन्च होने के मौके पर कहा है कि जीवन समर्थ योजना के जरिए हम जो है यानी LIC जो है वो हम एजेंटों को पूरा नेटवर्क को बेहतर यहाँ पर बनाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम करोड़ों भारतीय परिवारों की बदलती जरूरतों को पूरा कर सके। उन्हें लंबे यहाँ पर समय के लिए जो है बचत, सुरक्षा और हेल्थ इंश्योरेंस और यूडीप और पेंशन से जुड़े बेहतर विकल्प दे सके। बस बदलाव को करने के लिए जो है एक्सपर्ट कंपनी ATA
कैरने के साथ मिलकर जो है काम करने का फैसला किया है। एटीए कार्य ने एलआईसी की मौजूदा एजेंसी व्यवस्था की पूरी समीक्षा करेगी और उसे बेहतर बनाने में मदद जो है वो करेगी। वह इसके तहत ब्रांच डिवीजन और जोनल लेवल पर भी जो है वो काम किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि भारत के बीमा क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों और नए नियमों को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के सबसे बेहतरीन तरीकों को अपनाया जाए। साथ ही इस योजना से ग्राहकों और एलआईसी एजेंट्स का रिश्ता जो है मजबूत होगा, उसमें बदलाव भी होगा। इस बदलाव से एजेंटों को न सिर्फ नए टूल्स मिलेंगे बल्कि उन्हें बेहतर हुनर भी यहाँ पर मिलेगा। तो ये कुछ बदलाव जो है होने वाले हैं और रिश्ते से यहाँ पर ग्राहकों और एजेंटों के रिश्ते मजबूत होंगे। इससे ग्राहकों को अपनी बात कंपनी के समक्ष जो है वो रखने में जो है आसानी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जो आपको दिख रहा है प्रेस द बेल आइकन, यानी बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि रोजाना जो है आपको इसी तरह की खबरें जो है वो मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले अपडेट में।